करियर से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, अगर आप गट से आपके अंदर क्षमता बोलने की तो बोल सकते हैं, तीन बार फोन करके मत डिस्टर्ब किया करो, करियर खराब हो जाएगा, जिंदगी भर पालेगा हमको नहीं ना, गट से ये बोलने का नहीं नहीं है तो चुपचाप मीठा जहर के तौर पे करियर बर्बाद किए। समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना होता है, समझ में आ गया? 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। बहुत अच्छा टाइम। अरे यार तुम लोग टाइम क्यों देते हो, तुम्हारी लाइफ के साथ खेलती है सब, तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली पटना जयपुर झारखंड रांची तो कोई बात नहीं, अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे चार गरियाएगी तुमको, चार को बात सुनाएगी, तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे। 11th और 12th आप 11-12 के बच्चों को देखो, स्कूल से बाहर निकलते हुए छुट्टी में ये कॉलर खड़ा है, दो बटन खुली हुई है, टाई खींची हुई है, कॉलर खड़ा हुआ है, कॉलर। क्लास 12th एक ऐसी उम्र है जिसमें 99% युवा बगावती होते हैं, विद्रोही। बारहवे के लड़के से कहो 12th के लड़के से, यार गुड्डू परेशान किए, बोले ठोक दे भैया। रोटी और भिंडी की सब्जी और दाल थाली में वो लेकर आपके सामने आपकी माँ आती है और आपने थाली उठा के फेंक दिया। डेली डेली भिंडी बना दो, भिंडी खाएंगे, भिंडी खाने के लिए पैदा हुए हैं। उसने कहा अच्छा बेटा क्या खाओगे बताओ, वही बना ले। फिर चली गई किचन में, उसको दर्द है कि वो बुखार में है कि वो परेशान है। शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पर खड़े हो जाओ, जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे। अरे फालतू ये सब चीजें, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया गोली मारो यार, 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। मेरे पास साइकिल है सर, उसी साइकिल ने, फॉर्च्यूनर ने किसी को इज्जत दी सर, बड़े लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, उस साइकिल ने मुझे इज्जत दी, उस साइकिल ने मुझे नाम दिया, उस साइकिल ने मुझे सेहत दी। सर मैं 2 किलो आम खा लेता हूँ, आम मैं छोड़ नहीं सकता था, शुगर बढ़ रही थी स्टेरॉइड खाने से, शॉर्टकट इससे की वजह से आम छोड़ नहीं सकता था। तो हमारे स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा आम छोड़ने के लिए कौन कह रहा, हमने कहा फिर, बोले चला दे 50 किलोमीटर साइकिल। जब मजा ले रहे हो ना सर तब मेहनत भी करो, और आनंद पता क्या सर, स्वस्थ शरीर। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर, दिल्ली में जो DTC के स्टॉप है यहां पे सोया हूं, गुरुद्वारे में खाना खाया हूं, एक होटल के बियर बार में काम किया हूं, कभी फुर्सत से बताऊंगा। अभी तत्कालीन समय में कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी स्कूल में गए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो क्लास 11 की क्लास में वो गए, तो बच्चों ने बड़ा नमस्कार नमस्कार किया और बच्चे बड़े तैयार होकर बैठे थे। आगे एक लड़का बैठा था, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा ये बताओ कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा। उसने कहा सर मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने क्लास टीचर की तरफ देखा कि क्या बोल रहा है ये। क्लास टीचर ने कहा सर इसी ने तोड़ा होगा सर, हम सर जानबूझ के इसको आगे बैठाए थे सर, ये बहुत बदतमीज लड़का है क्लास का, और हमने इसको जानबूझ के आगे बैठाया था कि ये कोई बदतमीजी ना करने पाए, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ बदतमीजी, पता नहीं है बदतमीज कैसे कर गया सर, और तोड़ा इसी ने होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को बड़ा झटका लगा कि यार ये टीचर क्या बोल रहा है। वो बेचारे प्रिंसिपल के पास चलेगा, यार अजीब ड्रामा है तुम्हारे स्कूल, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, वो कह रहा मैंने नहीं तोड़ा, ये तुम्हारा टीचर कहता है कि साहब इसी ने तोड़ा होगा, ये बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है, ये क्या ड्रामा है तुम्हारे स्कूल में, ये स्टैंडर्ड है। अरे प्रिंसिपल ने कहा बैठो साहब, क्यों टेंशन ले रहे हो, धनुष है ना, कारपेंटर को बुलवा के ठीक करवा देते सर। ये है भारत की शिक्षा व्यवस्था।